So, hello everyone. My name is Niharika Jayani and I am an online educator of English and Mathematics on Unacademy since 2017 guys. और ये जो particularly video है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ narration पे based, जिसमें मैं आप लोगों को जो important concepts हैं जिन पे ज़्यादातर question पूछे जाते हैं वो cover करवाऊँगी. This is also a sample video of my upcoming course which is on एक्सपर्टाइज इंग्लिश फॉर SSC, ठीक है, जो कि 17 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रहा है सुबह 11:30 बजे. तो उसका एक डेमो वीडियो आप मान सकते हैं ये है, जिस इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स करवाने वाली हूँ जो कि SSC के अंदर रैंक प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सिलेक्शन के लिए तो हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट दीज आर द टॉपिक्स विच आर रैंक प्रोड्यूसिंग टॉपिक्स, एडवांस इंग्लिश आप बोल सकते हैं, जो इस कोर्स में मैं कवर करवाने वाली हूँ. टॉपिक्स लाइक नरेशन, ठीक है, जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो उनमें नरेशन वॉइस के अंदर मार्क्स कटवाना मतलब अपनी रैंक बेफालतू में रिड्यूस करने जैसा है. ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हो गए. कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं और वो मेंस के पेपर में जो है हमें देखने को मिलते हैं और उनका अच्छा वेटेज है. ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग मतलब छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं और उन पे बेस क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो नॉन फाइनाइट्स हो गया, ठीक है, एक्सरेंड हो गया, एंड पार्टिसिपल हो गया, स्पेलिंग रूल्स हो गए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए. ठीक है, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, और ये सारे रैंक प्रोड्यूसिंग टॉपिक्स हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब तो हमको सिलेक्शन के लिए आना ही चाहिए, राइट. और ये सारे टॉपिक्स हुए हैं कि अगर आप इनमें मास्टर हो तो आप लोग टफ से टफ क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो. तो ये जो टॉपिक्स हैं मैं इस मेरे बैच में करवाने वाली हूँ जो 17 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 11:30 से 12:30 इसकी क्लास रहा करेगी. और मेरा नाम निहारिका जयानी है, ये लॉन्च हुआ हुआ है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं. जिनके पास अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो NJ+, ये मेरा प्रोमो कोड है, ये प्रोमो कोड यूज़ करके इनको 10% डिस्काउंट लेके आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा ब्रीफ आउट कर देती हूँ, ये पुराना बना हुआ है वैसे. ठीक है, मैं BTech हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है. मैं 2017 के अंदर सिलेक्टेड हूँ, 1.7 लाख प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं अनअकैडमी पे, और अभी 9 मिलियन से ज़्यादा जो है, अभी ये पुराना है पिछले साल का बना हुआ, तो 9 मिलियन से ज़्यादा अभी मेरे वॉच मिनट्स हो चुके हैं, और मैं मोर देन आई थिंक 1200+ लाइव लेक्चर्स ले चुकी हूँ. प्रोफेशनली मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में एज अ मैथमेटिक्स लेक्चरर पढ़ा चुकी हूँ, और फिटजी लिमिटेड आप लोगों ने अगर सुना हो विच इज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर JEE, उसमें भी एज अ सीनियर मैथमेटिक्स लेक्चरर काम कर चुकी हूँ. अनअकैडमी पे 2017 से हूँ और मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ा रही हूँ. और ये गाइज मेरी बुक है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि अमेजन पे अभी प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल है. तो अगर आप लोग मेरी मेरी पूरी जो भी नोट्स हैं और ये सब चीज़ें कवर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इस बुक में मैक्सिमम सारा कंटेंट जो है मैंने ग्रामर रिलेटेड जो है दिया है. और ये कोरली सिर्फ SSC CGL CHSL CPO स्टेनो MTS प्री मेंस के लिए, मैंने बैंक भी नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि ये कोरली मैंने SSC के एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है. बैंक वालों के लिए भी मैंने ये प्रेफर नहीं करूँगी मैं, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन दोनों एग्जाम्स में अलग अलग आते हैं, राइट. सो दिस इज़ माई बुक, एंड ये अभी अमेजन पे अवेलेबल है, यू कैन बाय दिस, प्री ऑर्डर कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट मंथ आप लोगों को मिल जाएगी, इसका लॉन्च है. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. आज का पहला टाइप से जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, अगर आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाए, हैबिट दिया जाए, मोरालिटी दिया जाए, प्रोवर्ब दिया जाए, मैथमेटिकल फैक्ट दिया जाए सेंटेंस के अंदर, तो हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलना होता है. ठीक है, तो ही सेड मैन इज मॉर्टल, तो अगर आप मैन इज मॉर्टल ये देखेंगे तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट, या फिर आप इसको प्रोवर्ब भी बोल सकते हैं लाइक दैट. तो मैन इज मॉर्टल इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ. तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी यहाँ पे ये जो दो हिस्से होते हैं, ये जो पहला हिस्सा होता है, इस पहले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं.
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और जो बाद में सेंटेंस लिखा होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, राइट। ये तो हमारा बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर ये पास्ट में होता है तो इसका टेंस बदलता है गाइस, ही सेड मैन इज मॉर्टल। अगर मैं बोलूं कि ही सेड मैन इज मॉर्टल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता तो ये प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाता। पर गाइस कभी भी अगर आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, मोरालिटी, प्रोवर्ब या मैथमेटिकल फैक्ट्स जैसी कोई भी चीज़ें अगर आप लोगों को मिलती है तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें हमको टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना होता है, ये रूल है टाइप वन का, ठीक है। चाहे यहाँ पे पास्ट भी क्यों, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो भी हम टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ऑफकोर्स ही सेड लिखा हुआ है तो मैं ही सेड का ही सेड ही लिखूंगी, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह मेरा कंजंक्शन आ जाएगा, ही सेड दैट, द लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए मैन इज मॉर्टल। आगे का जो सेंटेंस है हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऑफकोर्स ये भी हमारा क्या है गाइज, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते, ठीक है, कि सन क्या है, वेस्ट में सेट होता है। तो यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो भी हम टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ही सेड का ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सेंटेंस हमने एज इट इज लिख दिया बिना कोई टेंस में बदलाव करे। सेम वे से यहाँ पे लिखा हुआ है आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो गाइज ये आपकी हैबिट है, ये क्या है, आपकी हैबिट है। तो मैंने आप लोगों को बताया चाहे आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे हैबिट हो, चाहे मोरालिटी हो, हम लोग टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो सेट टू जो होता है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, राइट। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तो ही टोल्ड मी, और ये इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट, ही टोल्ड मी दैट। आई कौन बोल रहा है, आई अपने आप को कौन बोल रहा होगा, ही बोल रहा होगा, तो हम ही लिखेंगे। अच्छा ही आई के साथ गो आता है तो ही के साथ तो गो जाएगा, टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, पर हमको हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ेगी ना। तो आई के साथ तो गो आएगा, ही के साथ क्या जाएगा, गोस फॉर अ वॉक डेली, पर यहाँ पे टेंस में फिर भी गाइस कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने कोई वेंट नहीं लिख दिया है गो को, गोज ही लिखा है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये लिखा हुआ है, ये आपका प्रोवर्ब है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो सेट दैट लिख दिया, आगे का सब कुछ सेम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अ टीचर सेट अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अगेन अ प्रोवर्ब, तो एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे लगा दिया दैट, और आगे का पूरा पार्ट सेम है। क्या ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल पहला टाइप है, मैं ऐसे 25 प्लस टाइप्स जो हैं आप लोगों को नरेशन टॉपिक के अंदर करवाऊंगी इस कोर्स के अंदर, जो कि मेरा 17 अगस्त को आ रहा है गाइस, ठीक है, 11:30 बजे से 12:30 बजे, ठीक है। इसमें मैं वो सारे टॉपिक्स, नरेशंस, रन, पार्टिसिपल्स, नॉन फाइनाइट्स, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, वॉइस, सब मैं सारे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे वेटेज के हैं और थोड़े टफ भी माने जाते हैं और टफ क्वेश्चंस उन्हीं से आते हैं, ठीक है, वो सारे मैं इस कोर्स में करवाऊंगी। एडवांस इंग्लिश का बैच है, एनजे प्लस मेरा प्रोमो कोड है, ये यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल्स ऑफ द अपकमिंग कोर्स, राइट। आगे बात करते हैं, अगर क्वेश्चन दिया हो तो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलना होता है, उसके कुछ सिंपल रूल्स हैं, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। रूल नंबर वन क्या है कि अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं गाइस, क्या दिए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, अगर आपको ही सेड लिखा हुआ है, ठीक है, ही सेड के बाद उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, यानी कि इंटेरोगेटिव, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जो है हुज आंसर कैन बी गिवन इन येस और नो, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग या तो येस में, ठीक है, या फिर नो में दे सकते हैं। तो हम लोग कंजंक्शन में इफ और वेदर लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं, दैट नहीं लगाएंगे, इफ वेदर लगाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में। इन दोनों में फर्क क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना गाइस, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है।
ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछते हैं तब। और असर्टिव सेंटेंस यानी कि नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, राइट। तो क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना होता है। पहली चीज इफ वेदर का हम लोग यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते। दूसरी चीज हो गई कि हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये जो से सेड ये लिखा होता है, इसको हम लोग आस्क 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 में कर देते हैं या इंक्वायर इंक्वायर में कर देते हैं, क्योंकि वो चीज पूछ रहा है। तो हम टोल्ड वर्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, टोल्ड नहीं करते, टेल नहीं करते, राइट। तो हम आस्क वर्ड का यूज करते हैं उसकी डिफरेंट फॉर्म्स का। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, इन चार क्वेश्चन को एक बार आप मन में ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपको ये आते हैं। तब तक मैं अपने बैच इंफॉर्मेशन दे देती हूं, आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन वन का आंसर मुझे बताइए। देखिए एडवांस इंग्लिश का बैच आ रहा है 17 अगस्त से आ रहा है, यानी कि परसों से 11:30 बजे से 12:30 क्लासेस रहा करेंगी इसकी। NJ प्लस ये मेरा प्रोमो कोड है जिससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। Amazon पे इंग्लिश ग्रामर निहारिका जयानी मेरा नाम है, सर्च करोगे मेरी बुक भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसकी प्री बुकिंग चल रही है, वो भी आपको जो है इक्वली हेल्प करेगी विद दीज कोर्सेज। तो अगर आप मेरा अनअकैडमी पे कोर्स देख रहे हैं और बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की नोट्स और इस तरीके की चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। फिर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, उसमें प्रैक्टिस भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है। तो शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, ये लिखा हुआ है। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए ये कोड यूज करके और जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोग एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं, इंग्लिश एडवांस इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो शी सेड टू मी, ये जो सेड टू लिखा हुआ है ये आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है गाइस, कि ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो शी आस्क्ड मी वेदर, अब कंजंक्शन में हम लोग क्या दैट नहीं लिखेंगे, इफ वेदर लिखेंगे। तो आप अगर यहाँ पे इंटेरोगेशन में ध्यान से देखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब आ रहा है ना। तो मैंने यही बताया था आपको कि जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली, पर हमको इसको चेंज करना होता है, किसमें, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर हमको वर्ब लिखना है, फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है और फुल स्टॉप लगाना है, ये करना है। तो वही किया, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू, यू किसके लिए आया है, मी के लिए, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, ठीक है। आर यू है, यू के लिए आर आता है इसलिए हमने यहाँ पे आर लिखा हुआ है। आई के साथ वॉज आएगा तो हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गई। नीचे का गोइंग सेम रहेगा, टू कॉलेज। अच्छा यहाँ पे सेट टू था, आर लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स गाइस यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं। तो प्रेजेंट टेंस ऑफकोर्स किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, राइट, तो ये किस में चेंज होगा गाइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये आर किस में चेंज हो गया, वॉज गोइंग में, ठीक है। तो दिस इज द, तो हमने कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है क्या, सेट टू लिखा हुआ है पास्ट है, तो टेंस को बदलना है, टेंस को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया। फिर देखा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम लोग दैट नहीं लिख सकते, हम इफ वेदर यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा, अरे क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इफ वेदर तो कर दिया, पर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होता है, हमको इसको पॉजिटिव सेंटेंस में करना है, यानी कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ गाइस, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट मोड में करवा रही हूँ, ठीक है। मेरे बैच में नरेशन की क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा है, तो आराम आराम से मैं आप लोगों को हर एक टाइप की खूब प्रैक्टिस करवा के जो है आपको चीज़ें सिखाऊंगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो जो स्पीड रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पर हम लोग पढ़ेंगे, फाइन। तो ये बैच है मेरा, नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, ये मेरा प्रोमो कोड है जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सर, एम आई लुकिंग स्मार्ट, उसने पूछा है ना कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेड का क्या जाएगा, आस्ट आ जाएगा। इफ, अब भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ये कौन सा टेंस हुआ भाई, एम आई लुकिंग स्मार्ट, ऑफकोर्स ये क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ गाइस।
तो अगेन यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. दूसरी चीज़, सब्जेक्ट पहले आएगा तो ही लिखेंगे सब्जेक्ट, राइट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब प्लस आई एन जी आएगा, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, वॉज लुकिंग आ गया, बहुत बढ़िया, राइट. नेक्स्ट है गाइस, सेट टू किस में हो गया, आस्ट में, यहाँ पे कंजंक्शन में इफ आएगा. कैन यू की जगह आ जाएगा आई कुड, क्योंकि कैन पास्ट में चेंज हो जाएगा तो कैन का कुड हो जाएगा. यू का क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि यू से पूछ रहा है, मी से पूछ रहा है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट. तो ये सेम चीज़ आप लोगों की रहेगी. तो होपफुली गाइज ये आप लोगों को परफेक्टली क्लियर है टाइप वन, ठीक है. अब इंटेरोगेटिव के अंदर ये तीन रूल पे बेस्ड तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए. अब दो रूल और है इसके, छोटे से रूल नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पे है, कि अगर आप लोगों का कोई डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हो, ठीक है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो हम इफ वेदर दैट ये तीनों ही यूज नहीं करते, हम उसी डब्ल्यू एच वर्ड को कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं. वही डब्ल्यू एच वर्ड हमारा क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है. ये आपका है रूल नंबर 4 इंटेरोगेटिव के अंदर ही, क्वेश्चन वाले टाइप के सेंटेंस में. तो अब इनका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इनका आंसर ऐसे लिखेंगे, सेट टू का तो आस्ट हो गया, पर यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इफ वेदर नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधा कंजंक्शन, ये डब्ल्यू एच वर्ड ही लगा देंगे, ये हमारा कंजंक्शन बन गया, अब यहाँ पे आ गया मतलब, ठीक है. तो ही आस्ट हर, सेट टू का तो हो गया आस्ट, ही आस्ट हर वॉट. अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये तो बदलेगा, राइट, ये बदलेगा. ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा. तो आप इसको क्या लिख दोगे, शी वॉन्टेड. यू किसके लिए आया, हर के लिए, तो शी वॉन्टेड. ही आस्क्ड हर व्हाट शी वॉन्टेड, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो होपफुली गाइज ये सबको समझ में आ गया है, राइट. तो डब्ल्यू एच वर्ड है तो बस इफ वेदर नहीं लगाना. बाकी यहाँ पे आर यू हैप्पी है, इसको क्या लिख देंगे, आई वॉज हैप्पी. प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट चेंज हो जाएगा पास्ट में, वही वाली बात है. तो पास्ट में हमने चेंज किया है कंजंक्शन में डब्ल्यू एच वर्ड. तो आई थिंक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में टाइप वन, पहले टाइप वन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, टाइप वन यूनिवर्सल ट्रूथ और ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है. उसके बाद मैंने आप लोगों को टाइप टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताए, जिसमें चार रूल अभी तक मैंने आपको बताए हैं. पहला, हम लोग येस नो होता है तो इफ वेदर यूज करते हैं. दूसरा, क्वेश्चन मार्क हटा के हम लोग इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं. तीसरा, से सेड इन सबको आस्क में लिखते हैं. इसकी हमने प्रैक्टिस देखी. उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता है, रूल 4, अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो हम ना इफ लिखते हैं, ना वेदर लिखते हैं, ना दैट लिखते हैं, यही डब्ल्यू एच वर्ड हमारा कंजंक्शन बन जाता है, राइट. 25 रूल्स हैं नरेशन के एक्सपर्टाइज करने के लिए, और मैं कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी और नरेशन, वॉइस, ऐसे सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी. सो दिस इज़ एन एडवांस इंग्लिश बैच. 17 अगस्त 11:30 AM से स्टार्ट है गाइस, ये मेरा प्रोमो कोड है. तो अगर आप इसका रूल 5 और आगे के रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. शार्प 11:30 AM पे स्टार्ट हो जाएगा 17 अगस्त से, ठीक है. NJ प्लस ये मेरा प्रोमो कोड है, आज ही यूज़ करो, फ्लैट 10% डिस्काउंट लेके अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है. तो थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू यूज़ NJ प्लस. आप ये कोई भी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि SSC के लिए ही है, बट SSC के लिए तो आप यही यूज़ करके ज्वाइन करें. ना केवल आप मेरे वीडियोज़ देख पाएंगे, आप सभी के वीडियोज़ देख पाएंगे गाइज, ठीक है. थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू शार्प एट 17 अगस्त गाइज 11:30 AM. थैंक यू.